नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ सोनू। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पलहान में कथित ठेकेदार द्वारा मनमानी करने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर पंचायत को उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हुआ है, जिसके तहत ग्राम पंचायत के एरिया के अंदर ही निर्माण कराना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से पंचायत की सीमा यानी पाली बैकुंठपुर के करीब जाकर निर्माण कराया जा रहा है। 3 दिन से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ समस्त ग्रामवासियों को नहीं मिलेगा। इसी के चलते प्रस्ताव बनाकर सरपंच, उप सरपंच एवं जिम्मेदार ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्थल को ठेकेदार ने चुना है, वह कथित तौर पर हरियाली प्रोजेक्ट के तहत पहले ही खसरा नंबर 1281 मध्य प्रदेश शासन में दर्ज है। इसके बावजूद ठेकेदार का अड़ियल रवैया जारी है। वहीं ग्राम पंचायत पलहान के उप सरपंच आनंद सिंह ने बताया कि अगर ठेकेदार की मनमानी नहीं रुकती है तो मामले पर उग्र आंदोलन होगा और कोर्ट की भी शरण लेंगे। हाँ, हमारे गांव में हरियाली प्रोजेक्ट की जो भूमि है 1281, उसमें जबरदस्ती उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध ग्राम सभा में पास हुआ, ग्राम पंचायत के बैठक में पास हुआ। इसकी सूचना मैंने संबंधित ठेकेदार को दिया, जनपद सिरमौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिरमौर को दिया, तहसीलदार को दिया, BMO को दिया और वन विभाग में दिया और SDM सिरमौर को भी दिया और अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। मैं विकलांग आदमी, स्पॉन्डलाइटिस का मरीज भी हूँ, मैं भटक रहा हूँ दर दर और कोई अमला सुनने को तैयार नहीं है। हमको भटका रहा है इधर, वो सरकारी पेड़ हरियाली प्रोजेक्ट के पेड़ कट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ना उसका प्रस्ताव है, न मंजूरी है, न कहाँ गए पेड़, किसने काटा, कुछ रहता पता नहीं है। इसकी कार्य मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये एक जन आंदोलन बने, इसमें त्वरित कार्यवाही हो।